हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी में आज अगला टॉपिक, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने देखा था लवणता, तापमान, और आज हम इसमें फोकस करेंगे, आज हम इसमें चर्चा करेंगे, आज हम इसमें बात करेंगे महासागरीय जल का, जो गतिशील जल है, फिर वो धारा हो सकता है, तरंग हो सकता है, वो ज्वार भाटा हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं महासागरीय जल के गतिशील स्वरूप की। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11वीं के एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ चुके हैं। इस एनसीईआरटी में यदि आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने स्पेशल क्लास कभी अनअकैडमी प्लस पर नहीं किया है तो आप स्पेशल क्लास जरूर करिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अनअकैडमी प्लस पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, और उसी के बेस पर आपको यह भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होती है। इस समय अगर हम बात करें तो हम 1 फरवरी से एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन विद कंसेप्ट पीटी 2020 में 100% सिलेक्शन का फोकस करते हुए, जिसमें हम लगभग 6 सब्जेक्टों के 100 टॉपिक्स को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि इससे बियॉन्ड सवाल जब भी सवाल आए तो इससे बियॉन्ड सवाल न जाए। इस समय अगर आप अनअकैडमी प्लस पर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमारे इतने कोर्स आपको इसमें मिलेंगे। उसमें अगर आप रिफर कोड एमके लाइव यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी डाउट के लिए। अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 40,000 और 64,000 का है, लेकिन आप लोगों को हमारी तरफ से 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है, और वो डिस्काउंट के बाद 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 36,000 का और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 57,600 में अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यूपीएससी सीएसई को टारगेट करने के बाद रिफर कोड यूज करना पड़ेगा, और फाइनली जब रिफर कोड अप्लाई हो जाएगा तो आप 36,000 रुपीज के बाद साल भर के लिए सारी क्लासेस को कितनी बार भी देख सकते, ना हमारे बल्कि सारे एजुकेटर्स की। ऑप्शनल भी, इंटरव्यू भी, जीएस का पूरा कंप्लीट चारों पेपर भी, और हमारा सीसेट भी आपको इसी में मिल जाता है। सागरीय जल संचलन कक्षा 11वीं का 14वां टॉपिक है। आइए देखते हैं टॉपिक में किस बातों की ओर इशारा किया गया है। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है, इसकी न भौतिक विशेष इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते, मतलब इसकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, इसकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, तापमान, घनत्व, लवणता, इसमें गति को उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो भी अतिरिक्त बल हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और वायु, ये भी इसको गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं। महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, जबकि हम बात करेंगे ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, जिसमें ऊर्ध्वाधर गति का मतलब लेवर का ऊपर उठना, गिरना, महासागर के स्तर का ऊपर उठना, गिरना। ज्वार भाटा कोई भी ये मत सोचेगा कि कोई तरंग है, ज्वार भाटा मतलब समुद्र के स्तर का ऊपर उठना और गिरना, ऊपर उठना और गिरना। हम कहेंगे कि यह ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति है। महासागरीय धारा एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति हैं। तो याद रखेंगे ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति है, और तरंगों की अगर हम बात करें तो तरंगे क्षैतिज गति हैं, तरंगे और धाराएं क्षैतिज गति में आएगी, तरंगे और धाराएं क्षैतिज गति में आएगी। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों और समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते और नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह व अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। इसका मतलब ठंडे जल का ऊपर की ओर आना और गर्म जल का वहां से हटना, यह भी ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। तो आइए सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमें पढ़ना है 3 चीजें, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं तरंगों की। तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं,
मतलब ये जल नहीं है, शब्द पर गौर करिएगा, तरंग वास्तव में ऊर्जा है, ऊर्जा है, ये जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। मतलब महासागर के सतह के नीचे और ऊपर दोनों तरफ का विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। मतलब तरंगों के उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारक है वायु। वायु इस तरंगों का, वायु के कारण ये जो पानी है इसको ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा के कारण यह तरंगे उठती और बैठती हैं। तो तरंग वास्तव में ऊर्जा का रूप है, न कि जल का रूप है। तरंग वास्तव में ऊर्जा है न कि जल है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। फाइनली फिर ये तरंग जब तट से टकराती है तो ऊर्जा वहां पर समाप्त हो जाती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे जल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे कि एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है, ऐसी गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्ध्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाती है। मतलब यदि वहां पर जल की गहराई उस तरंगदैर्ध्य के उस तरंगदैर्ध्य की या तरंग की गहराई से कम हो जाएगी तो तरंग टूट जाएगी। कितनी गहराई पर? तो जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है, तरंग दैर्ध्य के आधे से भी कम होती है तो वहां पर तरंग टूट जाती है। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंग जैसी आगे की ओर बढ़ती है बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गतिमान से उत्पन्न होती है। जब दो नॉट या उससे कम वाली समीर मतलब हवा शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं रिपर्स बनती। उर्मिकाएं मतलब थोड़ा सा उभार। वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता है जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते। तो आप ये समझ सकते हैं कि तरंग और कुछ नहीं है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हवा के ढकेलने के कारण ये पानी का ऊपर उठना है, पानी का ऊपर उठना है, लेकिन वास्तव में यह जो पानी ऊपर उठ रहा है यह हवा की ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है और यह हवा की ऊर्जा को, यह हवा की जो ऊर्जा है, यह हवा की ऊर्जा उस प्रकार से ऊपर नीचे होते हुए तट तक जाएगी और तट से टकराकर खत्म होगी। तो वास्तव में वह तरंग का रूप है लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं, ऊर्जा है जो लगातार ऊर्जा आगे बढ़ते हुए तट को टकराकर खत्म हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि तरंगों की गति और जलीय अणु कुछ इस प्रकार से, और ये जो जल है वो इस प्रकार से वृत्ताकार गति कर रहे होते हैं। जल जो है वो इस प्रकार से वृत्ताकार गति कर रहे होते हैं। तो जहां से वो ऊर्जा चली गई वहां पर, जहां पर ऊर्जा आएगी वहां उभार बनेगा और वहां पर नीचे जल के अणु अब नीचे की ओर गति करेंगे और फिर आगे वह फिर ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुलों में सर्प की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। एक तरंग का आकार आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। जितनी ज्यादा लंबी दूरी तरंग तय करके आएंगी ऊर्जा उतनी मिलती है उसको, तो उतना ही उसका आकार होगा। तो उसकी उत्पत्ति का अंदाजा उसके आकार से लग जाता है, उसकी दूरी का अंदाजा उसके आकार से लग जाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है, संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है, ढाल तीव्र होगी। कम और नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु के तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से कई दिशा में वायु प्रवाहमान है। तरंग गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। मतलब जो भी गिर रहा है जल उसको वह आगे की ओर ढकेल देगा, तो जहां पर भी तरंग या ऊर्जा आगे पहुंची वहां का वो गिरता हुआ जल जगह बनाएगा और तरंग और आगे खिसक जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि तरंगों की उत्पत्ति के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तरंगों की उत्पत्ति के लिए जो बल चाहिए, वो वायु की गति से मिल रहा है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है, यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुतः वस्तुओं को
वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है और लौटती हुई तरंग पर नीचे और पीछे की ओर। इसमें ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहूं तो तरंग के बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे? सबसे पहले तो तरंग ऊर्जा है, ऊर्जा है। दूसरा, इसके लिए आवश्यक बल या ऊर्जा वायु से प्राप्त होती है। तीसरा, इसका आकार एवं ढाल, उत्पत्ति और वायु की गति पर निर्भर करता है कि उत्पत्ति कहां हुई है और वायु की गति कितनी है। तरंगों की विशेषता क्या है? तो तरंग शीर्ष और गर्त, अब मैं तरंगों के सारे शब्दावली यहां पर बता दे रहा हूं कि ये शब्द क्या है। तो यह है शीर्ष और यह है गर्त, शीर्ष और गर्त की बात है ये। तो तरंग का उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु शीर्ष और गर्त कहलाता है, क्रिस्ट और ट्रफ कहते हैं, क्रिस्ट और ट्रफ कहते हैं। एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर और गर्त कहते हैं। तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई, इसे तरंग की ऊंचाई कहेंगे। आप ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी ऊंचाई ले लीजिए तो इसे कहेंगे कि यह तरंग की ऊंचाई है। मतलब निम्नतम से लेकर उच्चतम, गर्त से लेकर शीर्ष तक की जो ऊंचाई है, जो जो दूरी है, जो गर्त से लेकर शीर्ष तक की दूरी है, गर्त से लेकर शीर्ष तक की दूरी है, उसे तरंग की ऊंचाई कहते हैं। फिर हम बात करें तो तरंग का आयाम, वही तरंग की ऊंचाई है। तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का आधा होता है, तो ये आयाम कहलाएगा, ये आयाम कहलाएगा जो तरंग की ऊंचाई का आधा होगा, इसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड है ये, आयाम है ये, ये तरंग का आयाम है। तरंग काल, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये तरंग चल रही है, ये तरंग चल रही है, मैं यहां पर ध्यान दे रहा हूं, तो ये पॉइंट गुजरा। अब कितने समय के बाद ये पॉइंट गुजरेगा, ये जो टाइम इंटरवल लगेगा, इसे कहेंगे तरंग काल, इसे कहते हैं तरंग काल। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसे ऐसे सोचो कि मैं यहां से देख रहा हूं और लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति दर्शन करने गया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस जगह पर मुझे कितने टाइम में दिखा, उसे कहेंगे तरंग काल। तो एक तरंग के बाद दूसरी तरंग को गुजरने में कितना टाइम लगता है, उसे तरंग काल कहते हैं, उसे तरंग काल कहते हैं। तरंग दे रहे, दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी, ये जो उनके बीच का गैप होता है उसे कहते हैं तरंग देर, तरंग देर, तरंग के बीच की दूरी। ये बहुत गंदा शब्द लगता है, तरंग देर, तरंगों के बीच की दूरी, इसे अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं, वेव की लेंथ। तो तरंग देर, तरंग देर का मतलब हुआ कि दो तरंगों के बीच की दूरी कितनी है, गैप कितना है। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं, इसे नॉट में मापा जाता है कि वह तरंगे कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर रही है। एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों को आवृत्ति कहते हैं, कि एक सेकंड में अब कितनी तरंगे गुजर गई। ध्यान से सुनना जरा, अब मान लो कि एक तरंग को यहां से, ये तरंग यहां पर मैं देख रहा था, ये तरंग आई, फिर ये तरंग आने में मान लो कि 4 सेकंड का समय लगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहां पर जो तरंग तरंग काल है वो 4 सेकंड है। लेकिन 1 सेकंड में मान लो कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और 20 तरंगे गुजर गई, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ऐसी 20 तरंगे गुजर गई, तो मैंने कहा भाई यहां पर 20 तरंगे गुजर गई, यहां पर तो आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर आप पूरी की पूरी बात करेंगे तो ये तरंग की ऊंचाई है, ये तरंग की ऊंचाई है, ये आयाम है, ये तरंग का आयाम है, ये तरंग का आयाम है, ये तरंग का आयाम है, ये तरंग की दूरी, तरंग दैर्ध्य है, दो तरंगों के गर्त या शीर्ष कोई भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया इसमें कि एक ही बिंदु से कितनी तरंगे गुजर गई, एक ही बिंदु से एक तरंग के बाद दूसरी तरंग को गुजरने में कितना टाइम लगा, उसे कहेंगे तरंग काल। और एक सेकंड में एक बिंदु से कितनी तरंगे गुजर गई, उसे कहते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में
किसी बिंदु से कितनी तरंगे गुजर गई उसे कहते हैं आवृत्ति। जैसे मान लो कि किसी जगह पर आप ध्यान लगाए बैठे थे और लगातार वहां से लोग गुजर रहे थे तो एक सेकंड में कितने लोग गुजर गए उसे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहेंगे। तो तरंग के बारे में इसके नाम ध्यान देना, परिभाषाओं को ध्यान देना, और दो ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आप लोगों को ध्यान देनी है वो ये है कि तरंग एक ऊर्जा है और इसके निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वायु, मतलब वायु ही इसको ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा की। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण, पहले तो ज्वार भाटे का मतलब मैं समझा दूं, क्योंकि कई सारे लोग जब ज्वार भाटे की बात करते हैं तो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी ज्वार भाटे की अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा मतलब समुद्र के स्तर का उठना और गिरना है। ये किसी प्रकार से हम कहेंगे तरंग नहीं है, समुद्र का स्तर उठता और गिरता है। कभी आप समुद्र के किनारे खड़े रहिए तो आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे के बाद या तो समुद्र का पानी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा या समुद्र का पानी और ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कोई तरंग नहीं है, ये एक प्रकार के समुद्र के स्तर का उठना और गिरना है, समुद्र लेवल का उठना और गिरना है। तो समुद्र लेवल गिरता और उठता है, स्थाई नहीं है। सी लेवल उड़ता उठता और गिरता रहता है, उठने को ज्वार कहेंगे, गिरने को भाटा कहेंगे। और यहां पर उनका जो एवरेज होता है उसी को हम नाम दे देते हैं, उसका जो औसत होता है उसी को हम नाम देते थे समुद्र स्तर। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियत कालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को सर्ज कहा जाता है। मतलब जलवायु से जो भी वायु की गति, जलवायु कारकों से जो गति होगी उसे हम जल की गति को महोर्मी सर्ज कहते हैं। अगर वह गति जलवायु कारकों से हो रही है, वायुमंडलीय दाब से, वायु से, तो वह महोर्मी सर्ज कहलाती है। महोर्मी ज्वार भाटे की तरह नियमित नहीं होते हैं, मतलब उसके कारण ज्वार भाटा जैसा एक नियमित घटना है वैसे महोर्मी नियमित घटना नहीं है। नया शब्द है, ध्यान से सुनना। जलवायु कारकों के कारण जब समुद्र के जल में गतिशीलता आती है तो वो सारी गतिशीलताओं को एक साथ महोर्मी कहते हैं, और महोर्मी में नियमितता नहीं होती है। पर ज्वार भाटा एक अलग चीज है। ज्वार भाटे का स्थानिक और कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटों की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। आइए समझते हैं ज्वार भाटे की निर्माण कैसे होता है। जनरली इसके पीछे जो सिंपल सा सिद्धांत या थ्योरी काम करती है वो ये मानती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमण कर रहा है। तो चंद्रमा सूर्य पृथ्वी से नजदीक है, इस कारण से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जब भी पृथ्वी का वो देशांतर चंद्रमा के नजदीक पहुंच जाता है तो पृथ्वी का जो देशांतर चंद्रमा के नजदीक पहुंच जाएगा वहां पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पानी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और पानी के अपनी ओर आकर्षित होने के कारण वहां पर पानी ऊपर उठ जाएगा और उसी को कहेंगे कि ज्वार आया। उसी को संतुलित करने के लिए पृथ्वी के 180 डिग्री देशांतर पर, मतलब उस जगह के 180 डिग्री देशांतर पर फिर पानी ऊपर उठता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साथ दो जगह पर ज्वार उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलाकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। अपकेंद्रीय बल मतलब एक संतुलित बल, जैसे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय नहीं होते कि जब हम मुड़ते हैं तो एक आकर्षण वाला बल केंद्र की ओर तो उसके बाहर की ओर ढकेलने वाला एक बल काम करता है। जैसे आप देखिएगा ये चंद्रमा है तो इस चंद्रमा के नजदीक मान लेते कि यह देशांतर आ गया,
तो वहां पर समुद्र का जल ऊपर उठ जाएगा, यह ज्वार की स्थिति है, यह ज्वार की स्थिति है। और ठीक उसके विपरीत उसी समय 180 डिग्री पर अपकेंद्रीय बल के कारण हमें ज्वार ऐसे दिखाई देंगे, मतलब परिणामी एक साथ जो दो ज्वार पृथ्वी पर आते हैं वह इस प्रकार के ज्वार होंगे। लेकिन यहां एक बात समझना, ऐसा तब होगा जब इधर समुद्र हो, इधर भी समुद्र हो। हो सकता है कि एक देशांतर पर वहां पर समुद्र हो और उसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर महाद्वीप हो, तो कोई ज्वार नहीं आएगा, तो फिर एक दिन में केवल वहां पर एक ही ज्वार आएगा, ऐसा भी हो सकता है। यह जनरली हम ये कल्पना करके मान रहे हैं कि इस जगह पर अगर समुद्र है तो उसके 180 डिग्री पर भी समुद्र है, तब जाकर दोनों जगह पर हमें ज्वार परिणाम में दिखाई देगा। तो ज्वार वास्तव में पृथ्वी का, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा के आकर्षण बल से पृथ्वी के पानी को खींचने की ताकत है, इतनी ताकत से वो उसे खींच रहा है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। यहां एक और बात मैं बता दूं कि यहां पर जल का स्तर कम हो जाएगा, तो यहीं पर जल का स्तर कम होगा तो हम इसको भाटा कह देंगे। तो एक साथ दो जगह ज्वार उत्पन्न होता है तो उसी साथ दो जगह भाटे भी उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यह अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होते हैं, अतः यह चंद्रमा से दूर उसका उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो जरूरी है ही, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी यहां काम करता है। इसलिए ऐसा ना सोचेगा कि केवल चंद्रमा ही, सूर्य भी। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्वार भाटे के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, तीनों कारक ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा और अपकेंद्री। जहां महाद्वीपीय मग्नरड अपेक्षाकृत विस्तृत है वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, मतलब वो ज्यादा ऊपर उठता है पानी। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटों की तीव्रता को प्रभावित करती है, क्योंकि जब पानी का स्तर ऊपर उठेगा और ऐसी स्थिति में सामने बिल्कुल खड़ी दीवार है तो ऑब्वियसली उतना लेवल नहीं बढ़ पाएगा जितना कि अगर समतल मैदान होता तो ज्वार ऊपर तक उठ जाता, लंबी दूरी तक तय करता, तो उसका जो उठाव है या उसका जो परिवर्तन है वो तट की आकृति पर निर्भर करेगा। शंकुआकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद संगमों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं, क्योंकि ऊपर के बाद फिर जब वो लौटेगा तो वहां से जहां जहां से जगह मिली वहां से पानी निकलना शुरू होगा, वापिस पानी समुद्र की ओर लौटेगा, तो इन्हें कहते हैं कि ये ज्वारीय धाराएं हैं। इन्हें ज्वारीय धाराएं कहा जाता है। कनाडा में जो फंडी की खाड़ी है आप अगर मैप को देखेंगे तो ये जो यहां पर कनाडा का जो क्षेत्र है, जो ग्रीनलैंड से ऊपर आपको यहां पर फंडी की खाड़ी दिखाई देगी, फंडी की खाड़ी में बहुत ही बड़े ज्वार आते हैं, मतलब सामान्य साइज की तुलना में बहुत ही बड़े आकार के ज्वार होते हैं। जनरली पानी 2.4 मीटर ऊपर उठता है लेकिन फंडी की खाड़ी में 15 से 16 मीटर के बीच, क्योंकि उसकी संकीर्णता उसका छोटा आकार पानी को बहुत ऊंचाई दे देता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, तरंग नहीं है ये, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा मतलब सबसे ऊपर स्तर का बढ़ना, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहां पर दो ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, अर्थात एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार एक घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की ओर ऊपर उठता है, तो पानी का लेवल आपको उठता हुआ दिखाई देगा वहां पर। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे, मतलब किनारे पर जो प्राय वहां होते हैं, आप ज्वार देखना न भूले। अगर आप एक घंटे तक वहां रहते तब आप पाएंगे कि जहां से आपने शुरू किया था
वहां पहुंचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। ज्वार भाटे के प्रकार, ज्वार की आवृत्ति, दिशा और गति में स्थानीय और सामायिक भिन्नता में भिन्नता पाई जाती है। मतलब इसका जो वर्गीकरण किया जाता है ज्वार भाटे का, कि वहां पर कितने ज्वार आते हैं उसके आधार पर। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ अगर समुद्र है, तो यहां पर जब दोनों तरफ समुद्र अगर होगा, दोनों तरफ अगर समुद्र होगा तो यहां चंद्रमा आया तो ज्वार आया, यहां पर भी अपकेंद्र के कारण ज्वार आया। अब जब चंद्रमा के पास ये वाला हिस्सा पहुंचेगा तो फिर से ज्वार आएगा, फिर वापस उसके अपोजिट में भी ज्वार आएगा। मतलब हर स्थान पर दो ज्वार तब मिलेंगे जब दोनों तरफ समुद्र हो। अगर एक ही तरफ समुद्र है तो एक दिन में एक ही ज्वार मिलेगा, एक दिन में एक ही ज्वार मिलेगा। तो ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, टाइम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कि वो दिन में कितनी बार आते हैं। तो पहले है अर्ध दैनिक ज्वार, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं। ज्वार उच्च का मतलब ज्वार, निम्न का मतलब भाटा, अंग्रेजी में इसे लो टाइड और हाई टाइड कहते हैं। दो लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। तो मतलब ये सिंपल सी बात हुई कि दो बार ज्वार तब आएगा जब दोनों तरफ समुद्र होगा। तो चंद्रमा के सामने एक बार ये स्थान आया तो ज्वार आएगा, दूसरी बार वो स्थान समुद्र के सामने नहीं, चंद्रमा के विपरीत था, लेकिन अपकेंद्र के कारण वहां पर फिर ज्वार आ गया। तो ये सामान्य ज्वार है जिन्हें अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्ध दैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12 घंटे में एक ज्वार भाटा आ जाता है, एक 12 घंटे में ही ज्वार भाटे का चक्र पूरा हो जाता है कि ज्वार भी आ गया और भाटा भी, लो टाइड भी और हाई टाइड भी आ जाता है, फिर दैनिक ज्वार का मतलब 24 घंटे में एक ज्वार और एक भाटा। तो प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार मिलेगा, उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है, तो हम इसे कहेंगे कि दैनिक ज्वार है। ऐसा तब होगा जब एक तरफ तो महासागर हो और उसके 180 डिग्री पर महाद्वीप हो। तो जब वो महाद्वीप चंद्रमा के सामने आएगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसी कारण से, क्योंकि चंद्रमा के सामने महाद्वीप के कारण कोई उभार या महाद्वीप तो खींचा नहीं जाएगा, तो इसलिए केवल दिन में एक ही बार ज्वार बनेगा जब वह चंद्रमा के समक्ष आ जाएगा, तो दैनिक ज्वार जहां एक दिन में केवल एक हाई टाइड और लो टाइड आता है, जहां एक दिन में दो हाई टाइड और दो लो टाइड आते हैं, तो अर्ध दैनिक ज्वार, और दैनिक ज्वार में जहां पर केवल एक हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। मिश्रित ज्वार उन्हें कहते हैं जहां पर ज्वार भाटे के आने की, मतलब अभी जो ज्वार आया था वो ज्यादा ऊंचा था, बाद में जो ज्वार आया वो कम ऊंचा है, तब हम कहेंगे कि वो मिश्रित है। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उन्हें मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर आते हैं, और ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से समुद्र नहीं होता होगा, एक जगह पूर्ण रूप से समुद्र होता होगा और एक जगह पर पार्श्विक समुद्र होता होगा। तो जब एक पूर्ण रूप से समुद्र है तो वहां ज्वार की ऊंचाई बड़ी हो जाती होगी, पार्श्विक रूप से समुद्र रहेगा तो उतना ज्यादा ज्वार वहां पर उत्पन्न नहीं हो पाया, तो इधर भी उतना ज्वार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो मिश्रित का मतलब जहां पर ज्वार जो दिन में दो बार आ रहे थे उनकी ऊंचाइयां या उनका स्तर अलग अलग होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो मिश्रित ज्वार है। अब अगला हम जो पढ़ेंगे वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर जो ज्वार भाटे होते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने पूर्णिमा को आने वाले जो ज्वार हैं, अमावस्या को आने वाले जो ज्वार हैं, या फिर जो प्रथमांश और तृतीयांश में जो ज्वार आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो ज्वार आते हैं, वो ज्वार कैसे होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि उन ज्वारों के लिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमके लाइव रिफर कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, साथ ही साथ सारे एजुकेटर की क्लास भी इसमें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।